हे मनुष्य, आज से करीब 72 साल पहले 16 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था और इसके बाद परमाणु बम को कई सारे लोगों ने संभाल कर रखना शुरू कर दिया। किसके लिए? युद्ध के लिए। आज पूरे विश्व में लगभग 16,000 परमाणु बम मौजूद हैं। अगर इन परमाणु हथियारों के साथ यदि परमाणु युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा? इस बात पर आज आप सभी व्यक्ति विचार कीजिए, क्योंकि अभी विचार करने का वक्त है, बाद में नहीं। वर्ल्ड वॉर 3। डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया, यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? अंतरिक्ष से न्यूक्लियर हमले की तैयारी किसकी? रूस की। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग की आहट। ब्रेक करिए जरा यहां पर, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग की आहट, बड़ी खबर। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखेगा रूस। न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है रूस, बड़ी खबर। स्पेस में सैटेलाइट तबाह करने वाला रॉकेट भेजेगा रूस। दुश्मन देशों की नेविगेशन सैटेलाइट करेगा टारगेट, बड़ी खबर। लेकिन लेबनन से जंग शुरू हो चुकी है, लेबनन से इजराइल पर प्रचंड रॉकेट हमले। ब्रेक करिए जरा, विद द वीडियो दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, लेबनन में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, विद द वीडियो। इजरायली एयरफोर्स ने सिविलियन इलाके में बरसाए रॉकेट। हिजबुल्ला का ऐलान है जंग, निशाने पर साफेद। अब जो जानकारी आ रही है, किरियात शिमोना, नाहिरिया, गोलान हाइट्स, ये वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्ला ने टारगेट किया। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट जरूर दिखा दे रहे हैं। इजराइल ने उसका जो अटैक किया है, इजराइल ने पहली बार लेबनन के सिविलियन इलाकों पर अटैक किया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखिए, नहीं, इजराइल के अटैक की खबर है जो अभी अभी हमने दिखाई है। ये देखिए, इजराइल ने जो अटैक किया, जो अभी खबर हमने आपको दिखाई, ये देखिए जरा, पिछले 24 घंटे में इजराइल के 4 इलाकों पर हमला हुआ है। नंबर 1, इजराइल का ये जवाब है, बड़ी खबर जो हमारे पास है। बॉर्डर से सटे इलाकों पर हिजबुल्ला का रॉकेट हमला, सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमला है। हिजबुल्ला के हमले में 24 घंटे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनन पर IDF का सीरियल अटैक, ये देखिए जरा, तेजी से दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। 1, फिर पहले जबल अल ब्राइज, वहां पर अटैक किया गया है। कफर हने, ये शायद शहरों के नाम आपको ना पता हो, लेकिन हिजबुल्ला के कई पोस्ट तबाह कर दिए गए। सेंट्रल कमांड ने ध्वस्त किया हूती का मिसाइल सेंटर, विद द वीडियो। हूती की एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने तबाह, रेड सी में हमले से पहले हूती की मिसाइल तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से एक खबर बता रहा हूं, हूती पर अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल कमांड ने ध्वस्त किया हूती का मिसाइल सेंटर। सदा सना अलबेदा तेज हादोदोई आहजा, ये देखिए जो जानकारी आ रही है, सना में देर रात यूएस सेंट्रल कमांड पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। हूती के मिसाइल सेंटर पर हमला किया गया है, हूती की एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह कर दी गई है, हूती ने पलटवार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग की आहट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखेगा रूस। न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है रूस। स्पेस में सैटेलाइट तबाह करने वाला रॉकेट भेजेगा रूस। दुश्मन देशों की नेविगेशन सैटेलाइट करेगा टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट सीधा आई है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग, स्पेस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये देखिए पीछे जरा, मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है रूस, ये बड़ी खबर आ रही है। स्पेस में सैटेलाइट दबा करने वाला न्यूक्लियर रॉकेट बना रहा है रूस, ये जानकारी आ रही है। तेजी से जरा प्लीज चेंज करिए, रूस अपने दुश्मनों के उपग्रह के खिलाफ रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। ब्रेकिंग एंड शॉट राहुल,
स्पेस में यूएस यूरोपीय देशों की नेविगेशन सैटेलाइट तबाह करने की तैयारी है। बीते हफ्ते रूस ने सैन्य उपग्रह के साथ सोयूज 2-1V रॉकेट लॉन्च किया था, यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे ये ब्रेकिंग रखिए, सीधे चलूंगा मैं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो है तो यूएस के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सैटेलाइट्स को है, क्योंकि यूएस जो भी कंट्रोल करता है अपने ही अपने पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को, और जो उसने यूरोप में लगाया, 6 देशों में उसके लगे हुए हैं, उनको वो पूरी की पूरी उन सैटेलाइटों को तबाह करना चाहता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। ये तो कह रहे हैं कि इमीडिएट थ्रेट नहीं है, जैसा उनका आकलन है वो कहते हैं कि नॉट इमीडिएट फ्यूचर में, मगर आने वाले समय में। मगर मेरा ये मानना है कि ये कैपेबिलिटी रशिया के पास में है, विथ हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी फ्रॉम यू नो द जो अर्थ, मदर अर्थ से और स्पेस के ऊपर में यदि उसने कर दिया कार्रवाई। देखिए, एंटी शिप एंटी सैटेलाइट मिसाइल तो हम लोग भी लॉन्च करके दिखाएं कि हमारे पास वेपन सिस्टम है, कैपेबिलिटी है, मगर जब उसका न्यूक्लियर पावर्ड हो, न्यूक्लियर एक्चुअली वेपनाइज्ड हो, तो ये एक बहुत बड़ा, जो स्टार वॉर की हम बात किया करते थे पहले, वो एक सपना था, वो रियलिटी दिखाई दे रही। आप जो बता रहे सर, इसी के साथ एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए कैंप 4 पर मेरे बगल में। रूस के स्पेस न्यूक्लियर प्लान से अमेरिका में खलबली, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की चेतावनी, अमेरिका को अंतरिक्ष में रूस से खतरा, पेंटागन ने कहा। परमाणु कमांड को खतरा हुआ तो करेंगे पलटवार, अमेरिका ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स में, और फ्लोर ग्राफिक्स के बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग चलाइएगा, ये देखिए जरा। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन, अमेरिका में टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। पेंटागन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को रूसी अंतरिक्ष वेपन से खतरा जताया है। बगल में से पहले वाली जो ब्रेकिंग है, रशिया ने जो वेपन वाली ब्रेकिंग है वो प्लीज चलाइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। पेंटागन ने यूएस अंतरिक्ष संपत्तियों को रूसी स्पेस वेपन से खतरा जताया, ये जानकारी आ रही है। पेंटागन ने अपने दूसरे हथियारों के बेअसर होने का डर जताया। पेंटागन ने अपने जासूसी उपग्रहों के लिए भी रूसी वेपन को बताया खतरा। स्पेस में सैटेलाइट को बेअसर करने की रूस के पास क्षमता, पेंटागन ने कहा। जासूसी उपग्रहों की मदद से अमेरिकी यूक्रेन को दे रहा है बड़ी सूचना, ये एबीसी न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बार फिर से मैं आपको लेकर जाता हूं गाजा में, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, अभी कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे देखिए, गाजा पर हमला करता रहेगा इसराइल। खान यूनिस में हमास ब्रिगेड का पलटवार, ब्रेक करिए जरा। अल कसाम यूनिट ने किया बड़ा हमला विद अ वीडियो, इजरायली सेना के काफिले पर हमला, ये देखिए जरा। एमएन साहब, अल कसाम ने घात लगाकर किया अटैक। सीधा आइए, राफा पर इजरायली सेना ऑपरेशन पर सवाल।